लाइव में आप सभी का स्वागत है। सोपोर में दबोची गए लश्कर के 8 आतंकी पूछताछ जारी। बारामूला जिले के सोपोर इलाके में सेना और पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सेना और पुलिस ने बारामूला जिले में लश्कर से जुड़े 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। देश के इन 13 राज्यों में आंधी पानी की आशंका, एमपी में जारी हुआ रेड अलर्ट, दो दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने मध्य प्रदेश का हाल बेहाल कर दिया है। लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। भोपाल और विदिशा में भारी बारिश के कारण कई घरों में पानी घुस गया। राज्य में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा और राज्य के 32 जिलों में सामान्य से भारी बारिश हो सकती है। दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस के दो कोच से निकलने लगा धुआं, खाली कराई ट्रेन। बिहार के जमुई में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। यहां दरभंगा कोलकाता एक्सप्रेस के दो कोच से धुआं निकलने की वजह से हड़कंप मच गया। यात्रियों जब ट्रेन के कोच के भीतर से धुआं निकलते देखा तो सभी लोग कोच के बाहर आ गए। गाड़ी न रोकने पर पीएम मोदी के मंत्री की गाड़ी का कटा चालन। 1 सितंबर से देश भर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। नए ट्रैफिक नियम लागू होने के बाद किसी का 23,000 का चालन कटा तो किसी का 83,000 रुपए का। इस बार मोदी सरकार की केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी चालन कटा है। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS इंडिया डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।